स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट हो चुकी है हमारी 95 प्लस सीरीज। इसमें हम अकाउंट्स के चैप्टर्स की सिर्फ थ्योरी पोर्शन, जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, उसे बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पहुंच चुके हैं किस पर? एडमिशन पर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा फिनिश हो चुका था, एनपीओ हमने पढ़ा दिया था, और आज हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी किसकी? एडमिशन की। तो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन पहले तो होता क्या है, देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है ना, लेट सपोज उसमें से पहले दो मेंबर थे, तो एक और नए मेंबर की यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, एक और नया मेंबर उसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नया मेंबर तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पार्टनरशिप डीड में इस बात का कोई भी जिक्र ना हो। ठीक, जब तक सारे पार्टनर्स उस बात के लिए सहमत नहीं होंगे, कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में आ नहीं सकता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, एडमिशन हो गया। जब एडमिशन होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, एग्रीमेंट में चेंजेस तो होंगे ही होंगे जब पार्टनर आएगा। तो कोई भी चेंजेस होते हैं किसी भी तरीके के एग्रीमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एनी चेंज इन एग्रीमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या इफेक्ट, नया जो पार्टनर आता है हमारे साथ हमारे फर्म में, उसके पहले जो राइट्स और कुछ लाइबिलिटीज आपको बता रहे हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं? वो हमारा नया पार्टनर हमारे पास आ गया, क्या राइट होंगे उसके? एक तो ये, टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, वो फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेगा हमारे साथ, ठीक है। और दूसरा, जो एसेट्स होंगी उस पर भी उसका अधिकार हो जाएगा, जो हमारी फर्म में एसेट्स हैं उस पर। दो अधिकार आपको समझ में आ गए। तो उसकी लाइबिलिटीज भी हैं, क्या लाइबिलिटी होती है जो आने वाले पार्टनर होता है उसकी? टू कंपेंसेट एनी लॉस इन कर्ड बाय फर्म। अगर फर्म ने कोई लॉस हो गया है फर्म में, तो वो उस लॉस को भी हमारे साथ कंपेंसेट करेगा, ये होगी उसकी लाइबिलिटी। समझ गए? चल, अब वो आता है, जब हम उसे ले रहे हैं तो क्या हम उसे फ्री में ले लेंगे क्या? नहीं, वो आता है, एक तो अपने साथ अपनी कैपिटल लेकर के आता है। कैपिटल कैश में भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है, काइंड माने किसी सामान के साथ भी हो सकती है। दूसरी चीज, कंपेंसेट ऑल द पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द फर्म। अब क्या होता है, समझो, एक रूम है, एक रूम में पहले दो लोग रहते थे, दो आधा आधे का था दोनों, एक और आ गया, तो क्या होगा? इनको अपना हिस्सा थोड़ा सा, दोनों को या तो थोड़ा थोड़ा, या किसी एक को अपना हिस्सा उसे देना पड़ेगा, है ना, सेक्रीफाइस करेगा वो उसके लिए। तो जब हम उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो हमारे उस सेक्रीफाइस के बदले में जो चीज़ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो गुडविल क्या हो गया इसका मतलब? गुडविल एक तरीके का कंपेंसेशन हो गया, जो पार्टनर्स उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। देना पड़ेगा, है ना, इसे क्या कहते हैं हम? प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं, गुडविल भी कह देते हैं, जैसा चाहे। क्लियर है मेरी इतनी बात? आगे चलते हैं। देख, ये इफेक्ट्स होते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हो जाएंगे जब एक पार्टनर हमारे में नया आएगा। तो एक तो ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एंड, नई पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई, नई आएगी। रिजर्व एंड लॉसेस जो भी होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे पुराने वाले। एसेट्स को रिवैल्यूट करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को रीअसेस्ट करना पड़ेगा। एसेट्स हमेशा उनकी वैल्यू दोबारा से रखी जाती है, कितने की हैं, और जो लायबिलिटीज होती हैं उनका रीअसेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट माने उनका निर्धारण किया जाता है कि अब वो कम हो गई हैं या और ज़्यादा हमारी बढ़ गई हैं। समझ गए? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड पेड। गुडविल को भी, जो फर्म की गुडविल है, उसे दोबारा से हमको रिवैल्यूट करना है और पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? गुडविल को, ठीक है। अब आते हैं ये एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम जब हम अपना एडमिशन करते हैं उस चैप्टर में। तो पहला वाला सबसे आ जाता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया आपको कि ऐसे एक रूम है, उसमें हाफ हाफ में थे दोनों लोग, नया पार्टनर आ गया तो ऑब्वियस सीरियसली देखा है कि अब तो इनका हाफ हाफ तो रह नहीं जाएगा भाई, क्योंकि तीसरा हिस्सा इसका भी है। तो सबसे पहला हो जाता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बदल जाएगा, नया रेशियो आएगा, नया रेशियो आएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एडमिशन में हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जो पार्टनर है वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, सेक्रीफाइस करेंगे ना भाई। उसने कितना हिस्सा, माना इसने इतना हिस्सा दे दिया, 1/4 हिस्सा दे दिया, तो 1/4 हिस्सा 1 में से और 1/4 लेस कर देंगे, तो अब दोनों के पास कितना रह गया, सिर्फ 3/4 रह गया, समझ गए। अब 3/4 का 1/2 और 3/4 का 1/2 दोनों के पास हो गया ये, ठीक है। तो 3/8 और 3/8 ये हो गया अब दोनों का, अब जो नया वाला रेशियो आ गया वो, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो न्यू रेशियो निकालेंगे, तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट लेस कर दो, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर न्यू रेशियो, ठीक है, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, न्यू में से और ओल्ड लेस कर देंगे, न्यू में से ओल्ड लेस करा देते हैं, समझ गया मेरी बात को, आप इसको लेस कर देंगे, आपके रेशियोज आपके यहाँ पर कैलकुलेट होते चले जाएंगे, पर ये कैलकुलेशन आपको जरूरी है करना। अच्छा एक और चीज़ आ जाती है, ये सब चीज़ तो हटा दें, ये जरूरी नहीं होता कि कोई दोनों ही पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस करें, हो सकता है कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करे, तो गुडविल सिर्फ उसको दी जाएगी जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। गुडविल सिर्फ उसको देंगे हम जो पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, और हमें सबसे पहले हमारा काम होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, समझ गए आप मेरी बात को इतनी। चलो अब हम आगे चलते हैं, कुछ और रेशियो जो सिखा दें आपको और आपको बताएंगे इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक। चलो भाई आगे चलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो अभी हमने बताया था आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या चीज़ होती है, ये कंपेंसेशन का अमाउंट होता है भाई, है ना। सेक्रीफाइस क्या करेंगे, जो कंपेंसेट कर रहा होगा है ना उसे, तो वो उसको हम किस फॉर्म में दे देते हैं, गुडविल के फॉर्म में चला जाता है, राइट। न्यू रेशियो क्या रहेगा, जो अब डिवाइडिंग फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, अब जो न्यू अब आगे जाकर के जो भी पार्टनर्स सारे मिलकर के वो प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, वो हमारा हो गया न्यू रेशियो। और कंपेंसेशन वाला रेशियो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बात एक क्वेश्चन आता है कि ये डिसाइड कौन करता है कि रेशियो ये इतना इतना ये होगा, नया पार्टनर इस रेशियो में, तो ये पुराने पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उनकी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उस हिसाब से वो लोग सेट करते हैं कि ये रेशियो सेट किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलो गुडविल की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टनर आएगा तो वो गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है, हमने अभी आपको बताया था कि कोई फ्री में उसको नहीं ले लेगा, ठीक है। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो एक तो प्रीमियम मेथड से हम कर सकते हैं, अगर वो कैश में लेकर के आ रहा है तो उसे प्रीमियम कहते हैं, अगर वो कैश में नहीं लेकर के आ रहा है तो फिर हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, अगर वो अपना शेयर कैश में नहीं लेकर के आता है, ठीक है। कैश में लेकर के आएगा तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनको वो दे दिया जाएगा जितनी वो लेकर के आएगा, अगर वो नहीं लेकर के आता है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो जाती है कि अगर वो लेकर के ही नहीं आता, इफ़ ही इज अनेबल टू ब्रिंग, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से हम उसको उतने अमाउंट डेबिट करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है, अपनी बात को फिर से कह देते हैं, अगर पार्टनर, अगर इनकमिंग पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को नहीं लेकर के आता है, कैसे भी, ना कैश में लेकर के आता है, ना काइंड में लेकर के आता है, कैसे भी नहीं लेकर के आता है, तो हमें उतने अमाउंट से उसके कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में, समझ में आ गई। अगर वो पार्शल लेकर के आता है, जैसे मान 10,000 लेकर के आने थे, 5,000 ही लेकर के आए, 5,000 नहीं लेकर, तो 5,000 हम उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट में से राइट ऑफ करेंगे, वहाँ से निकालेंगे, वहाँ से डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, पहले से गुडविल है उसमें बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में आपके, तो सबसे पहला काम होगा आपको उस एग्जिस्टिंग गुडविल को पुराने पार्टनर्स में पहले उसको राइट ऑफ करा दो, ठीक है, उसके बाद नई गुडविल का काम शुरू होगा, समझ आ गए। और चलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब होती है ये परचेज गुडविल, ठीक है, AS 26 के हिसाब से, है ना, ये परचेज गुडविल होती है और इसी को शो किया जाता है, जो सेल्फ जनरेट गुडविल होती है उसे अकाउंट में कहीं पर भी शो नहीं किया जाता है,
इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो ये कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दूसरी चीज़ आती है, एक और बात आ जाती है, एक आएगा आपका हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है? जब गुडविल ना तो आपके बुक्स में दे रखी हो ना वो लेकर के आए, मैंने गुडविल से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दे रखी, लेकिन गुडविल तो है, बिना गुडविल को तो कुछ है ही नहीं, गुडविल तो है, तो फिर आप गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे बेसिस ऑफ नेटवर्थ का, फर्म के नेटवर्थ के हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगी। होती क्या है हिडन गुडविल, जब गुडविल किसी भी तरीके की कोई कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं नेटवर्थ के हिसाब से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन मैंने अभी बताया था हमने आपको, एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है, लायबिलिटीज को रीअसेसमेंट किया जाता है। क्यों? देखो, नया पार्टनर आया, उससे पहले के जो पार्टनर्स थे, जो फर्म में थे, वो काम कर रहे थे फर्म के लिए, है ना, उनकी वजह से एसेट्स बढ़ी होंगी या घटी होंगी, लायबिलिटीज का पेमेंट किया गया होगा या और लायबिलिटी बढ़ी होंगी, तो फिर वो क्यों कॉम्पेंसेट करे, तो फिर या फिर उसे प्रॉफिट क्यों दिया जाए या लॉस क्यों दिया जाए। दोनों ही चीज़ें नए पार्टनर को नहीं दी जाती है, ना तो लॉस दिया जाता है ना ही प्रॉफिट दिया जाता है जब वो एडमिट होता है तब। इसलिए हम उसकी जैसे ही एडमिट होता है वैसे ही हम अपनी जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उनका रिवैल्यूएशन कर देते हैं और अपनी लायबिलिटीज को रीअसेस कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है, अगर लॉसेज हो रहे हैं डेबिट में डाल दो, अगर हमको फ़ायदा हो रहा है क्रेडिट में डाल दो, बैलेंस निकाल लो, अगर प्रॉफिट भी होगा तो भी पुराने पार्टनर को बांट दो, लॉस हो रहा है तो भी पुराने पार्टनर को बांट दो, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए किया जाता है कि अब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, नई बन गई एकदम नई, अब नए पार्टनर को ले लो, इसलिए बनाया जाता है, समझ गए। ऐसे ही रिजर्व्स, जनरल रिजर्व की बात कर रहे हैं हम, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये रिजर्व होते हैं, है ना, ये फर्म अपनी प्रॉफिट में से हम वो चीज़ें एक साइड रखते जाते हैं, जैसे ये वर्कर्स के लिए, वर्कमैन के लिए हो गया कंपेंसेशन देने का रिजर्व है, ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है, ये हमने जनरल रिजर्व तैयार किए, तो ये पुराने पार्टनर्स के एफर्ट से तैयार हुआ है, तो इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए सबको उठा करके पहले पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सब डाल दो, जैसे ही वो एडमिट होगा उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई लॉसेस होंगे, है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मानो सोचो, है ना, तो भी वो उनको दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाता है, नए पार्टनर को ना तो हम लॉस देते हैं पुराना और ना ही हम उसे कोई भी प्रॉफिट देते हैं पुराना, समझ गए। लेकिन इसमें ये EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या फिर ESI पेमेंट, ये हमें ये इसमें किसी भी चीज़ का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये फर्म की जिम्मेदारी होती है, पार्टनर्स की नहीं होती है, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, समझिए मेरी बात को। बस अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें नहीं लगता कि और एडमिशन में कोई किसी भी तरीके की कोई थ्योरी आपकी रह गई है, इसी थ्योरी को रिवाइज कर लें, 100% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, नोट्स इसके प्रिपेयर कर लें, जैसा आप चाहें वैसे आप कर लें, वैसे नोट्स हम आपको खुद से भी प्रोवाइड कर देंगे, और ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं और हम आपके साथ और भी जगह जगह आपके साथ जुड़ते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं रेफरेंस में आपको मेरा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वहाँ मिलेंगे, कुछ क्विज कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। ओके चलो, टेक केयर, गुड बाय।